आज हम डिस्कस करेंगे इम्बोस फैब्रिक पेंट्स और आर्टिस्ट फाइज़ा जो है आपको ये पूरा प्रोसीजर जो है वो दिखाएंगी। ये ट्यूब से आपने इम्बोस कलर्स को ये पैलेट ट्रे में डाला और फिर आपने कैप को जो है वो क्लोज़ कर देना है ताकि ये ड्राई ना हो। ये देखें, ये फैब्रिक है, इस पे आप जो है ये ऑलरेडी ट्रेस किया हुआ है आर्टिस्ट फाइज़ा ने। और ये इम्बोस होता क्या है? इम्बोस का मतलब होता है उभर जाना। ये जैसे बॉक्स है, इस पे इम्बोस लिखा हुआ है और इसका फाइनल जो है ये आप जिस देख रहे हैं कि ये उभर जाते हैं, तो इसको जो है आज आपको दिखाएंगे कि ये आप फैब्रिक पे किस तरह कर सकते हैं। और ये परमानेंट कलर्स हैं, आप इन्हें कॉटन, लॉन, सिल्क, ऑर्गेन्जा, जॉर्जेट क्रिंकल, शिफॉन पे कर सकते हैं। और इस जो है बॉक्स में बता दूं कि ये 12 ट्यूब्स हैं, ईच ट्यूब जो है वो 16 ml की है। ये एम्बोस्ड जो फैब्रिक कलर्स हैं और ये फाइनली ये जो उभार देख रहे हैं और ये किस तरह आएगा ये भी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। और ये वाटर बेस्ड हैं तो इसमें आपने कोई जो है बाइंडर वगैरह थिनर यूज़ नहीं करना। ये देखें जैसे आर्टिस्ट कर रही हैं। स्पेशली जैसे बच्चों के कार्टून करेक्टर्स के लिए अगर आप उनकी शर्ट पेंट करते हैं तो उसके लिए जो है इम्बोस इफेक्ट आपको जो है वो नुमाया हो जाता है, वो उभर जाता है। जैसे बच्चों के कोई आप कार्टून करेक्टर्स वगैरह कपड़ों पे पेंट करने चाहिए के लिए तो ये मोस्ट सूटेबल है। ये देखें ट्यूब से पैलेट में डाला और उसके बाद फौरन आपने कैप को बंद कर देना है ताकि ड्राई ना हो। ये देखें इसको जो आपने ये पैलेट के बाद जो है, और कोशिश करें क्योंकि इम्बोस इफेक्ट लाने के लिए इसको आप थिक ही रखें लेयर को। उससे ये है कि जब आप बैक साइड पे आयरन से इन्हें फुलाएंगे तो वो ज़्यादा जितना थिक रखेंगे वो उतना ज़्यादा फूलेंगे। तो ये आपने इसमें कोशिश करनी है कि इसको पतला ना रखें, इसको थिक रखें ताकि आपको इस तरह ये जो उभर जाते हैं, जहाँ थिन रखेंगे वहाँ ये इफेक्ट आएगा, थिक रखेंगे तो ये ज़्यादा उभर जाते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है। और अब इसको पेंट करने के बाद आपने 2 दिन ड्राई होने देना है
और जब ये ड्राई हो जाए तो अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, जब ये 2 दिन ड्राई होने के बाद आपने इसको बैक साइड से आयरन करके किस तरह जो है ये उभरेंगे, वो अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इसको 2 दिन ड्राई होने दिया और अब ये ड्राई हो चुका है। अब इसको उभारने के लिए ये देखें, ये सीधी साइड है। अब हमने आर्टिस्ट ने इसको उल्टा किया है कपड़े को, ये अब उल्टा करने के बाद आप इसको थोड़ा सा वेट कर लें ताकि ये आयरनिंग में सही फिर उभर जाएंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद कोई भी कागज़, ये कागज़ रख लिया है। अब इसको जो है प्रेस किया जा रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है जब इसको बैक साइड पे हीट अप्लाई होगी तो ये उभर जाते हैं और 3D का इफ़ेक्ट देते हैं। और आप अब आप चेक कर लें इसको कि ये उभरे भी हैं या नहीं। ये देखें, ये अब उभर गए हैं और ये देखें, ये आपको 3D इफ़ेक्ट दे रहे हैं। ये देखें, अगर आप इसको फील कर सकें, ये देखें, ये सरफेस से उभर गए। तो यही जो हम अचीव करना चाह रहे थे। अब आपको इसको फैला दें ज़रा, ये देखें जी, अब ये आपको 3D इफ़ेक्ट देंगे। और इस तरह जो है आपने जो है इनको उभार लेना है, जो आपने अभी पूरा प्रोसेस देखा है। अब इसे आप वेयर कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये परमानेंट कलर्स हैं और इसको आपने वॉश किस तरह करना है। अब आप इसको जो है वेयर करें फैब्रिक आर्ट को और नेक्स्ट वीडियो में हम वॉशिंग दिखाते हैं। ये परमानेंट कलर्स हैं, आए अब हम इसमें आपको वॉशिंग प्रोसेस दिखाते हैं कि आप जो है ये वॉशिंग पाउडर पहले, और इसको आपने हैंड वॉश करना है और जेंटली इसको आप वॉश करें, ज़्यादा जो है रगड़ना नहीं है, आराम से इसे आप हैंड वॉश कर सकते हैं। ये देखें, ये परमानेंट कलर्स हैं, नहीं उतरते। इस वीडियो में आपको यही इसका पर्पज़ है कि आपको दिखाया जा सके ये परमानेंट कलर्स हैं। देखें, आप इन्हें हैंड वॉश कर सकते हैं, ये देखें। और ये वॉशिंग प्रोसेस है, और ये मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आप tasveerfabrics.com से आप जो है ये एम्बॉस फैब्रिक कलर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू।